हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सप्लाई करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है। तो हम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं हम न्यूट्रिएंट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और भी वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड। इनको हम अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए या फिर न्यूट्रिएंट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट इनको इनर साइड पे सप्लाई करने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है, जैसे कि एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वही डाउनहिल मैकेनिज्म बोलते हैं, या फिर जो कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर जाता है उसे हम कहते हैं। जो दूसरा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये जो होता है इसमें हमें लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर जो हमारा सोल्यूशन है वो जाता है, तो उसे हम कहते हैं। ये शॉर्ट में है, बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम डिफ्यूज़न के नाम से या फिर डाउनहिल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस को करता है वो है अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिस साइड पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उस साइड से जाता है ये। उसके बाद है यहाँ पे कोई भी नीड नहीं होती है एनर्जी की, तो नो नीड ऑफ एनर्जी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो होता है ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में कौन से हैं? एक है सिंपल डिफ्यूज़न, एक है फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। तो इसमें जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है उसमें हम बताते हैं कि या तो जो सब्सटेंस है वो थ्रू लिपिड लेयर जाए या फिर प्रोटीन लेयर जाए। तो यहाँ पे जब हम कैटेगरीज़ बताते हैं तो वहाँ पे हम तीन कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जब हम कैटेगरीज़ पढ़ रहे हैं तो हम तीन पढ़ेंगे, जैसा कि सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर, जो दूसरा है हमारा वह है थ्रू प्रोटीन लेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिंपल डिफ्यूज़न से कैटेगरीज़ कितनी बन जाती हैं, तो दो कैटेगरीज़ बनती हैं। एक होता है प्रोटीन लेयर और एक होता है लिपिड लेयर, साथ में फैसिलेटेड या फिर कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न जो कि तीसरा कैटेगरी होता है। टाइप्स दो ही होते हैं लेकिन यहाँ पे हम कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा सिंपल डिफ्यूज़न थ्रू लिपिड लेयर। लिपिड लेयर कहने का मतलब है कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, जो भी लिपिड जो कि परमिएबल होंगे, यहाँ पे लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस प्रोटीन में होते हैं और लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल सब्सटेंस लिपिड में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सब हमारे लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये अगर मान लीजिए ये हमारा एक कोई सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, क्योंकि ये परमिएबल है, ये या तो वाटर का हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या अल्कोहल का कोई सब्सटेंस होगा जो कि दूसरी साइड लेयर को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये आप मान सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में परमिएबल टू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, और इसमें जो होता है मेनली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डिफ्यूज़ करते हैं प्रोटीन लेयर को। तो ये भी सेम जैसा कि लिपिड जो फैट सोल्यूबल होता है और जो हमारा प्रोटीन है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है फैसिलेटेड डिफ्यूजन या फिर कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। इसमें होता क्या है कि कुछ कैरियर्स होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन बाय द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे जो ये हमारे सब्सटेंस हैं, इन सब्सटेंस को ये जो हमारा कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन का एक साइड खुला होता है, ओपन होता है, जहाँ से ये उसको अपने अंदर या रिसेप्टर्स में बाइंड करता है, क्योंकि ये ECF से ले रहा है और ICF में छोड़ता है। तो ये क्या करता है, कैरियर प्रोटीन एक तरफ से लेकर के दूसरी साइड अपने उस अपना जो चैनल है उसको बाइंड किया हुआ रिसेप्टर से जो उसने बाइंड किया है उसको रिलीज़ करने के लिए वो दूसरी साइड करता है। तो जब ये ऐसा करता है तो ये जो है ये कैरियर प्रोटीन है, और ये पूरा जब ये ऐसा होता है तो इसे हम फैसिलेटेड या कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फैक्टर
अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूज़न को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब हमारे बॉडी की एनर्जी या बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस बढ़ेगा, तब तब और या तो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल बढ़ेगा, तो उस केस में हमारी जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो बढ़ेगी। लेकिन कब ये चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, जैसे कि साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही कम हमारा डिफ्यूज़न होगा, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतने कम डिफ्यूज़न होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना कम डिफ्यूज़न होगा, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये सब। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि पहला है इसमें वो है बल्क फ्लो, दूसरा है फिल्ट्रेशन और तीसरा है ऑस्मोसिस। जो बल्क फ्लो होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, क्योंकि ये डिफ्यूज़न के ही टाइप हैं और डिफ्यूज़न जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो वर्क करता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होता है वो मूवमेंट, इसमें भी मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सल्यूट फ्रॉम ऑफ एन एरिया हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू दी लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो देखिए दोनों में कुछ सेम चीज़ें, जैसे कि इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर था बल्क फ्लो में, और वो भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पे है मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्यूट जो कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस में बताते हैं कि जो हमारा वाटर है या फिर कोई भी अदर सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो लो कंसंट्रेशन एरिया है वहाँ से ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है वो यहाँ पे चेंज होता है, या फिर कोई सॉल्वेंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग होती है, और ये जो होता है ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, अपहिल, और ये जो होता है ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अभी तक हमने अलोंग द ग्रेडियंट पढ़ा था जो कि पैसिव था, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, इसमें रिक्वायर होती है एनर्जी, जबकि पैसिव में कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं थी। उसके बाद हमारा आता है कैरियर प्रोटीन आर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है यूनिपोर्ट और एक होता है सिमपोर्ट या एंटीपोर्ट। तो ये दो हैं, ये जो सेकंड टाइप है ये दो अलग अलग हैं। जो यूनिपोर्ट होता है उसमें सिर्फ ओनली वन सब्सटेंस इन सिंगल डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पे हमें याद रखना कि सिर्फ एक सब्सटेंस जो कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जबकि सिमपोर्ट में क्या होता है कि टू सब्सटेंस इन ए सिंगल डायरेक्शन या फिर इन सेम डायरेक्शन, तो वो जो होता है वो यूनिपोर्ट होता है। लेकिन अगर हम एंटीपोर्ट की बात करें तो एंटीपोर्ट में टू सब्सटेंस होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होंगी। तो आपको ये तीनों का याद रखना कि यहाँ पे ओनली वन सब्सटेंस, यहाँ पे टू सब्सटेंस, जबकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, जबकि ये सिंगल डायरेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, हम इसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि इसमें है कि ये एक सब्सटेंस है जो कि सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिपोर्ट, ये दो सब्सटेंस हैं जो कि सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिमपोर्ट, और दो सब्सटेंस हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंटीपोर्ट, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हमारा टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि होते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें सभी आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसमें से किसी का भी एक का मैकेनिज्म हम बताएंगे। और जो सेकंड है, सेकंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें हमें Na प्लस के साथ, सोडियम प्लस के साथ, हमें सोडियम प्लस को तो लेना ही है, साथ में इसके साथ में या तो कोई अदर सब्सटेंस काउंटर ट्रांसपोर्ट होगा, कहने का मतलब है कि इसके अपोजिट ट्रांसफर होगा, या फिर को ट्रांसपोर्ट होगा, इसके साथ ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये हमें याद रखना है कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में तो किसी को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन या फिर क्लोराइड, जबकि सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में Na प्लस होता ही है, उसके साथ कोई ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसा हमें याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस, तो हमारा सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं इन,
और इसमें जो है हमें एनर्जी लिबरेट करनी पड़ती है डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। तो एटीपी से हमें इसमें एनर्जी मिलती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम, इसे ही हम कहते हैं। तो इसमें आप एज एन एग्जांपल देखिए, ये है हमारा ICF और ये है हमारा ECF। ECF में K प्लस आयन्स पाए जाते हैं और ICF में Na प्लस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस होता है वहाँ पे ये तीन Na प्लस को बाइंड करती है और जो आउटर सरफेस होता है वो दो K प्लस को बाइंड करती है। उसके बाद एक मैकेनिकल चेंज होता है जिसमें ATP जो होता है वो टूटता है ADP में। यहाँ पे एक हाई फॉस्फेट एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से ये रिलीज़ करते हैं दो Na, दो K प्लस को अंदर की ओर मतलब ICF में और तीन Na प्लस को बाहर की ओर मतलब आउटर सरफेस में ECF में। तो ऐसे करके ये सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। ये था एग्जांपल। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जो होता है ये सोडियम आयन, जैसा कि सब्सटेंस विद सोडियम आयन, चाहे तो वो कॉमन कैरियर प्रोटीन हो सकता है या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस होता है जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला है को ट्रांसपोर्ट, दूसरा है काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो होता है को ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें दो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से एक सोडियम होना है और दूसरा कोई भी हो सकता है जो कि सेम डायरेक्शन में जाए बाय ए कैरियर प्रोटीन, इस कॉल्ड सिमपोर्ट। लेकिन दो सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन तो उसे हम एंटीपोर्ट कहेंगे बाय कैरियर। तो यहाँ पे अपने को समझना है कि यहाँ पे सब्सटेंस विद सोडियम आयन, यहाँ पे सेकेंडरी का एक मेन जो कैरेक्टर है वो हमको याद रखना है कि सब्सटेंस विद सोडियम आयन, और जो उसके दो टाइप हैं को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। जब को ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें सेम डायरेक्शन में, काउंटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट के अदर जो और भी बताए गए हैं उसमें एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस आता है, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन हैं।